हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू परवल प्याज की सब्जी कुकर में बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन बनाने की तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है दोस्तों। आप बहुत ही झटपट कुकर में बनाकर आलू परवल प्याज की सब्जी खा सकते हैं, बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट। ये देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों किस तरह से मैं आलू परवल प्याज की सब्जी बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। कुकर को रख दिए हैं गर्म होने के लिए गैस पर, कुकर को गर्म हो जाने देते हैं। तेल थोड़ी सी डाल दी हूँ, उसमें मैं परवल को भून लेती हूँ। थोड़ा परवल को थोड़ा भून लेंगे, इसे लाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। परवल भून जा चुका है लगभग, आप लोग देख सकते हैं। उसी कुकर में मैं परवल निकाल लिए हैं, उसी कुकर में मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ जिसमें मैं आलू प्याज भूनूंगी। ये देख सकते हैं, परवल इस तरह से भून लेंगे। तेल गर्म हो जाए तो जीरा डालेंगे, जीरा का कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं लाल सूखी मिर्च डाल दूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं, साथ में मैं डाल देती हूँ आलू कटा हुआ, उसी के साथ मैं डाल देती हूँ प्याज को भी। आलू प्याज को साथ में भूनेंगे, इसे छोलनी से चला देंगे। बहुत ही बेहतरीन बनती है दोस्तों कुकर में, आप लोग एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत जल्दी ही बन जाती है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं लहसुन और गोलकी पीस ली हूँ मिक्सी में, प्याज आलू को भूनते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसका कच्चापन निकल गया है। प्याज जो डाले थे इसे थोड़ी और देर तक भूनेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से भून लगभग भून जा ही चुका है, प्याज का कलर चेंज हो चुका है दोस्तों। इसे लाल करके भूनेंगे। मेरा प्याज आलू लगभग भून जा चुका है, सो इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन और गोलकी का पेस्ट। साथ में मैं डाल देती हूँ आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैं डाल देती हूँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में मैं डाल देती हूँ आधी चम्मच धनिया पाउडर, साथ में मैं डाल देती हूँ एक चम्मच नमक। स्वाद अनुसार डालेंगे, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इन मसालों के साथ आलू प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से भूनते रहेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनकर तैयार होगी दोस्तों, कुकर में जल्दी से बनती है। इस तरह से आप लोग भी बनाकर खाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरह से मेरी सब्जी बनी है। साथ में मैं डाल देती हूँ परवल को, आलू प्याज परवल मसाले के साथ मैं भून लेती हूँ अच्छी तरह से। इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मैं सब्जी मसाला को ऐड कर देती हूँ, डाल देती हूँ इसमें। आप चाहे तो मीट मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे कोई भी मसाला हो एक्स्ट्रा वो डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आ जाता है। या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से भुन जा चुकी है, लग रही है ना बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। बिन टमाटर की मैं बना रही हूँ फिर भी अच्छी बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे मैं सीटी लगने देती हूँ, इसमें एक सीटी लगा के दिखाती हूँ। देख सकते हैं मेरा सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में कमेंट में बताइएगा किस तरह से मेरी सब्जी बनी है दोस्तों।
ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लगती है। इसे आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा के साथ भी खा सकते हैं। आप चलिए तो गर्मा गर्म पूरी के साथ इसे मैं सर्व करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं एकदम से फूली फूली पूरियों के साथ मैं सब्जी को सर्व कर ली हूँ। देख सकते हैं।